इस बाइक के अंदर इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले जो है 12 नंबर का यहाँ पर बोल्ट है, ये वाला खोल लेना है, ठीक है ना। पहले यहाँ पर क्या था, 17 नंबर का यहाँ पर रहता था गोटी लगने वाला, अभी जो है सिंपली 12 का दे दिया है BS6 के अंदर। और देखिए इसका ऑयल जो है काफी ज्यादा गंदा निकल रहा है। पास जो है काफी सारा इंजन ऑयल है, लेकिन BS6 में कौन सा बेहतर रहेगा वो हम बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बॉस का है, विडोल का है, ठीक है ना, कैस्ट्रोल का है, ठीक है ना, काफी तरह का मोबिल है। एक इस तरीके का भी डब्बे में आता है, विडोल का एक वाइट डब्बे में भी आता है। तो गाइस अभी जो है सिंपली हम रॉकमैन डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है रॉकमैन, और रॉकमैन 900 ml का डलेगा। और इसका पावर का हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20W40 जो होता है काफ़ी अच्छा चलता है। इस हीरो के लिए जो ऑयल आता है वो 10W30 रहता है ये, लेकिन 20W40 है, काफ़ी यूजफुल मोबिल है। और ये रॉकमैन जो है जैसे कि टाइमिंग चेन आता है रॉकमैन का, काफ़ी अच्छा चलता है, उसी कंपनी का ये ऑयल है। तो चलिए गाइस हम इस ऑयल को, इसका कलर भी अगर आप देखेंगे तो इसका कलर भी जैसे कि हमारा हीरो का ऑयल आता था पीला कलर का, सेम वही कलर का है। स्टार्ट करते हैं। अब जो है गाइस इस बाइक में कमाल का पिकअप आ जाएगा, और चाल जो है काफी स्मूथ होगा, और इंजन का साउंड भी काफी अच्छा आएगा, क्योंकि मोबिल डालने के बाद ये सब प्रोसेस जो होता है ना इंजन का, काफ़ी स्मूथ हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में, और माइलेज पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, और माइलेज भी इस बाइक का अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस व्हील को डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।